अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. क्लास वन, टेक आउट योर इंग्लिश बुक. नाउ पेज नंबर ओपन 103. जब पोम स्टार्ट करने से पहले, आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर का काम कंप्लीट कर लिया होगा, द लकी लीफ का. अब हम आगे पोम पढ़ेंगे. पोम की सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है. पोम का नाम है ऑफ टू द जू. ऑफ टू द जू के मीनिंग है मैं चिड़ियाघर गया हूँ. मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने. आई एम ऑफ टू द जू, वाई डू नॉट यू कम टू. मैं चिड़ियाघर गया हूँ, तुम भी क्यों नहीं आते? वेल से हाउ डे डू टू द कैंगरू. अच्छा कहो कि कैंगरू के साथ क्या करूँ. द वाइट पोलर बियर इज श्योर टू बी देयर. On an ice sphere, not going anywhere. सफ़ेद वो रीच किस सफ़ेद बीच रीच को यकीन है कि वो किसी को सफ़ेद बर्फ की सीढ़ियों पर जाने के लिए नहीं देगा. I hope that the birds not looking too fat. उम्मीद है कि चमगादड़ ज़्यादा मोटा नहीं होगा. And the Bombay cats not wearing a hat. और बम्बई की बिल्लियों ने कैट पहनी नहीं होगी. इट्स वन कम विद मी एंड यू आर श्योर टू सी. चलो मज़ा करने चलो, क्यों नहीं, मुझे उम्मीद है तुम चलोगे. एट अ ग्रेट चिम्बीजन अप अ मैंगो ट्री. एक अच्छा चिम्बीजन आम का दरख्त पे होगा. देयर लॉट्स ऑफ लॉट्स एट द जू टू सी एंड टू डू. So buckle your shoes and let's join the quail. वहाँ चिड़ियाघर में दरख्त होंगे, चलो अपने जूते बांधो और कतार में लगो. मैं वापस रीड कर रही हूँ. ऑफ टू द जू के मीनिंग है मैं चिड़ियाघर गया हूँ. आई एम ऑफ टू द जू, मैं चिड़ियाघर गया हूँ. वाई डू नॉट यू कम टू, तुम भी क्यों नहीं आते. वेल से हाउ डे डू टू द कैंगरू. अच्छा कहो कि कैंगरू के साथ क्या करूँ. द वाइट पोलर बियर इज श्योर टू बी देयर. सफ़ेद रकबी ब्रिज वहाँ पर होगा, मुझे यकीन है. ऑन एन आइस स्टीयर नॉट गोइंग एनी वेयर. और वो सफ़ेद बर्फीली सीढ़ियों पर किसी को जाने नहीं देगा. आई होप डेट द बर्ड्स नॉट लुकिंग टू फैट. मुझे उम्मीद है कि वहाँ चमगादड़ ज़्यादा मोटा नहीं होगा. एंड बम्बई कैट्स नॉट वेयरिंग अ हैट. और बम्बई की बिल्लियाँ ने हैट नहीं पहना होगा. इट्स वन कम विद मी एंड यू आर श्योर टू सी. मुझे पता है और मज़ा आएगा कि तुम भी हमारे साथ चलो और देखो. अ ग्रेट चिम्बीजन एक अच्छा चमगादड़ अप अ मैंगो ट्री और चढ़ा होगा दरख्त के ऊपर. There's lots at the zoo. बहुत सारी चिड़ियाघर पर बहुत सारी चीज़ें होंगी. To see and to do. दरख्त भी होंगे देखने के लिए. So buckle your shoes, अपने जूते बांधो. And let's join the quail. और कतार में शामिल हो. I hope student आपको ये poem समझ में आई होगी, इसके मीनिंग भी समझ में आए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा.